मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड हिंदी मीडियम। टुडे वी विल स्टार्ट द फिफ्थ चैप्टर फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर बुक। बेटा आज हम आपका फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर बुक का, एंड द चैप्टर इज अ पोयम। जो चैप्टर है वो हमारा पोयम है, एंड द नेम ऑफ द पोयम इज वन थिंग एट अ टाइम। यानी एक समय पर हमेशा हमें एक ही चीज करनी चाहिए, यानी कि 10 काम लेके बैठ गए और हुआ एक भी नहीं। तो ये आपकी पोयम है, बहुत ही ईजी और बहुत ही मॉरलफुल और मैसेजफुल है आपकी पोयम। पहले इसको रीड कर लेते हैं। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे। देखिए, काम तब करिए जब आपको करना हो, खेलिए तब जब आपको खेलना हो, दैट इज द वे। यानी कि हमें हमेशा ये नहीं, खेल भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं और रीड भी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को एक टाइम में एक ही काम करना चाहिए, और एक टाइम में आप दो से ज़्यादा काम करेंगे तो क्या होगा, हमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन एक वर्क पे नहीं रहेगा। टू बी हैप्पी एंड वे वन थिंग एट अ टाइम, हम इसी वजह से हम खुश और खुशहाल रह सकते हैं। वन थिंग एट अ टाइम, एक चीज एक समय पर, एंड दैट डन वेल, जिसकी वजह से हम उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इज द बेस्ट ऑफ ऑल रूल्स एज मैनी कैन टेल, जैसा ये सबसे अच्छा नियम है, जो कि जितने भी अच्छे लोग हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमें हमेशा एक टाइम एक ही काम करना चाहिए। हमारे बड़े भी हमें हमेशा ये बोलते हैं, अगर आप खाना खा रहे तो टीवी मत देखो। लेकिन क्या होता है, आजकल बच्चे खाना तभी खाते हैं जब उनको टीवी दिखाई है, तो ये भी बैड हैबिट है। फिर बेटा इस चैप्टर, ये आपकी पोयम है, इस पोयम की 4 लाइन्स, आप एक लाइन जो है आपकी वो अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, और इसकी वर्ड मीनिंग्स भी आपको करनी है बेटा। अब हम इस पर आते हैं आपकी एक्सरसाइजेस पे, ठीक है। एक्सरसाइजेस पे कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या है हमारा, वर्क डैश यू वर्क, यानी कि वर्क कब करना चाहिए, पोयम में ही आपके इसमें मिल जाएगा। वर्क व्हाइल यू वर्क, क्या आ जाएगा यहाँ पे, वर्क व्हाइल यू वर्क। नेक्स्ट लाइन, टू बी डैश एंड डे, टू बी हैप्पी एंड डे, यहाँ पे वर्ड आ जाएगा आपका हैप्पी। थर्ड आपकी लाइन, थिंग्स दैट बाय हाउस, थिंग्स दैट बाय हाउस, ये लाइन बेटा आपकी पोयम में नहीं है, ठीक है, ये लाइन आपके